जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुहेल और आप देख रहे हैं सुपर क्रिकेट। तो दोस्तों आईपीएल 2023 में चेन्नई सुपर किंग का अगला मुकाबला जो कि मुंबई इंडियंस के खिलाफ होने वाला है और यह मुकाबला जो कि महा मुकाबला होने वाला है। बता दें कि आईपीएल 2023 का सबसे बड़ा मुकाबला जो कि होने वाला है चेन्नई बनाम मुंबई के बीच में। तो दोस्तों इसके दोनों टीमों का कंपेरिजन करने वाले हैं कि कौन सी टीम का पलड़ा भारी रहने वाला है इस महा मुकाबले में। इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें मुंबई इंडियंस का। तो दोस्तों मुंबई इंडियंस का प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार से हो सकता है। रोहित शर्मा और ईशान किशन जो कि ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे मुंबई इंडियंस की तरफ से। इसके बाद सूर्य कुमार यादव, कैमरन ग्रीन और तिलक वर्मा जो कि मिडिल ऑर्डर में नजर आने वाले हैं। टीम डेविड, निहाल बेद्रा, हृतिक शौकीन जो कि लोअर ऑर्डर में नजर आएंगे और सबसे नीचे गेंदबाजी में नजर आएंगे पीयूष चावला, जोफ्रा आर्चर और अरशद खान। यहाँ दोस्तों यह रहने वाला है मुंबई इंडियंस का प्लेइंग 11। बात करें मुंबई इंडियंस का तो दोस्तों मुंबई इंडियंस का प्लेइंग 11 बेहतर है, लेकिन अब बात करें चेन्नई सुपर किंग का प्लेइंग 11 का तो दोस्तों हुआ कुछ इस प्रकार से होने वाला है। ऋतुराज गायकवाड़ और डैन कनवे जो कि ओपनिंग करने वाले हैं, मोइन अली, अजिंक्य रहाणे, बेन स्टोक्स जो कि मिडिल ऑर्डर में नजर आएंगे, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी, शिवम दुबे जो कि लोअर ऑर्डर में नजर आएंगे और नीचे सबसे दीपक चाहर और सिसांदा मंगाला और राजविंद्र हेंगकेड़े। या दोस्तों बता दें कि सिसांदा मंगाला खेलते हुए नजर आएंगे आईपीएल में पहली बार। तो दोस्तों बात करें चेन्नई सुपर किंग का तो दोस्तों मुंबई इंडियंस के मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग बेहतर टीम दिख रही है, बेहतर संतुलित टीम है चेन्नई सुपर किंग। या दोस्तों ऐसे में जब मुकाबला होगा मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग का तो इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग का पलड़ा भारी रहने वाला है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन जीतेगा यह महा मुकाबला मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग के बीच में, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दोस्तों यह खबर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।